नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है आफ्टर इफेक्ट्स में मोका ट्रैकिंग। तो आज की जो टेक्निक है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, जो प्रीवियस मैंने दिखाया था मोका ट्रैकिंग उससे थोड़ी सी डिफरेंट है ये वाली मोका ट्रैकिंग, राइट। तो उसमें मैंने थोड़ा मास्क को यूज़ करके थोड़ा सा बताया था, बट इसमें मैं मास्क यूज़ नहीं करूँगा। तो उस मोका ट्रैकिंग को मैं थोड़े से डिफरेंट वे में दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर में एंड देन देखते हैं कि मोका ट्रैकिंग के थ्रू हम लोग और भी अच्छी तरीके से किस तरह से हम लोग वीडियो को ट्रैक कर सकते हैं एंड देन हम लोग उसको यूज़ में ले सकते हैं। चलते हैं अपने कंप्यूटर पे। सबसे फर्स्ट आपको करना है क्या है, जो भी फुटेज को आपको ट्रैक करनी है ना, उसको जस्ट ट्रैक एंड देन ड्रॉप कर दो अपने कॉम्प पे। फाइन, तो मेरा यहाँ पे कॉम्प आ गया कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो कॉम्प को। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आज जो मैं ट्रैक करने वाला हूँ वो हेडफोन को है, बिकॉज ऑफ कि इसमें कुछ ब्रांडिंग नहीं है। मैं चाहता हूँ अपना कुछ ब्रांड अप्लाई करूँ, अपने लोगों को मैं अप्लाई नहीं करूँगा, कुछ और भी इसमें ऐड करूँगा। तो सिंपल सा आप क्या करो, सबसे फर्स्ट जो आपके यहाँ पे वीडियो फुटेज आ गए हैं, आप चले जाओ यहाँ पे इफेक्ट्स एंड कंट्रोलर्स में, आई मीन इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में, नॉट कंट्रोलर्स में। एंड देन यहाँ पे क्लिक करो एंड देन ले लो यहाँ पे मोका, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ले लेना है मोका ट्रैकर। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास दो मोका ट्रैकर्स हैं, आपको सिर्फ एक ही मिलेंगे, बिकॉज ऑफ की जो मोका एई है वो इनबिल्ड है हमारे आफ्टर इफेक्ट्स के साथ, लेकिन मोका प्रो जो है वो आपको परचेस करने पड़ेंगे, बिकॉज ये एक प्लगइन है, राइट, और ये फ्री की नहीं है, बट आपको एई से आपको काम चलाना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि मोका प्रो आप किस तरह से यूज़ में ले सकते हो, क्योंकि मोका प्रो में आप पावर मेश आपको मिलेंगे, राइट। तो सबसे फर्स्ट मैं आता हूँ मोका पे एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो अपने वीडियो फुटेज के ऊपर में कुछ इस तरह से, ओके। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो यहाँ पे आपको मिल जाता है मोका, तो क्लिक करो मोका के ऊपर में यहाँ पे सिंपल सा, एंड देन आपको मोका स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आ चुका है, हमारा मोका खुल गया है, ओपन हो चुका है। तो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, जेड एंड देन लेफ्ट माउस से थोड़ा जूम कर लेना जिसको भी आपको ट्रैक करने हैं, एंड देन एक्स एंड देन लेफ्ट माउस बटन से पैन कर सकते हो, अगेन जेड लेफ्ट माउस, ओके। आप चाहो तो इससे भी आप सिलेक्शन बना सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा ये कुछ सर्कल वाले शेप में है, सर्कुलर है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे लेता हूँ एंड देन एक एलिप्टिकल शेप ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, राइट। अगर आपको थोड़े से एडजस्ट करने हैं तो थोड़े बहुत एडजस्ट आप कर सकते हो यहाँ पे, कुछ ऐसा जैसे मैंने कर रखा है यहाँ पे, एंड देन आप इनेबल कर दो यहाँ से। आप तो यहाँ से आपको प्लानर को आपको इनेबल कर लेने हैं एंड देन ग्रिड भी आप ले लो एंड देन जेड लेफ्ट माउस बटन से थोड़ा जूम आउट कर लो, बिकॉज आपको इजी से, तो आप इजी वे में देख सकते हो कि ट्रैकिंग किस तरह से काम कर रही है, राइट। अब आपको करना क्या है, क्लिक कर दो आप ट्रैक के ऊपर, तो अभी ये ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है हमारी यहाँ पे। ओके, तो हमारी ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुकी है, आपको करना क्या है सेव कर लो। मैं 1-2 times क्लिक कर देता हूँ बिकॉज ऑफ कि ये प्रॉपर वे में सेव हो जाए, एंड देन क्लोज़ कर दो आप, राइट। तो यहाँ पे आपके सारे डेटा आ चुके हैं, आई मीन सेव हो चुका है। तो आप पहले आ जाओ प्रोजेक्ट में एंड देन यहाँ से बोर्ड के जो लोगो है ना, मैं एक्चुअली बोर्ड के लोगो यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पे, कोई भी लोगो आप यहाँ पे यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। तो मैं सबसे फर्स्ट क्या करता हूँ, एंड देन इसको आप छोटा बड़ा मत करो, बिकॉज ऑफ़ कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है इसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने का या स्केल करने का, बिकॉज ऑफ़ कि जैसे ही अप्लाई करोगे फिर से बड़े हो जाएंगे साइज़ में। तो बेटर है कि आपको यहाँ पे जाना है अपने जो फुटेज है, वीडियो है, एंड देन यहाँ पे फिर से आप आ जाओ मोका के ऊपर में, एंड देन लास्ट मैंने लास्ट वाले जो क्लास थे उसमें मैंने बताया था यहाँ के मास्किंग को किस तरह से आप यूज़ में ले सकते हो, बट आज जो मैं बता रहा हूँ ना वो थोड़ा सा इसके ऊपर है, राइट। मैं आज मास्क यूज़ नहीं करने वाला। तो यहाँ पे आपको क्रिएट ट्रैक डेटा आपको ले लेने हैं लेयर वन, बिकॉज ऑफ कि एक ही बार मैंने ट्रैक सिलेक्शन बनाया था, तो ओके ले लो। एंड देन यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने कॉर्नर पिन लिया था, इस बार नहीं लेना है आपको, आपको लेना है ट्रांसफॉर्म, फाइन। एंड देन यहाँ पे आपको क्लिक करके ले लेना है बोट, बिकॉज ऑफ कि मैंने जो मेरे पास इमेज है वो बोट के हैं, तो मैंने ले लिया, एंड देन अप्लाई कर दो यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे ये अप्लाई हो चुका है, बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। तो अभी आपको करना क्या है,
सबसे फर्स्ट आपको यहाँ से इसकी साइज़ को छोटी करनी है, लेकिन आप यहाँ से नहीं कर सकते, आपको करना भी नहीं है यहाँ से। आपको अगेन इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में जाकर यहाँ पे आपको सर्च करना है ट्रांसफॉर्म, मींस यहीं से आपको ट्रांसफॉर्म को लेने हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करो बोट वाले लोगो पे, एंड देन यहाँ पे स्केल में आ जाओ, एंड देन यहाँ पे 6 और 7 आप ले लेना, जो भी आपके साइज हैं वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर लो। एंड देन थोड़े से पोजिशन जो है ना वाई के मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ओके नाउ यू कैन सी अभी जो हमारा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वो बहुत ही प्रॉपर वे में मेरा यहाँ पे लोगो फिट हो चुके हैं अपने हेडफोन के ऊपर में, कुछ ऐसा राइट। अब मुझे करना क्या है, देखो ये तो हमारा काम हो चुका है, बहुत ही बेटर तरीके से हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं कुछ और भी इफ़ेक्ट को अप्लाई करूँ। तो ये एडिशनल है, अगर आपको अप्लाई करने तो करो, बट मैं चाहता हूँ कि मैं अप्लाई करूँ। तो सबसे फर्स्ट मैं क्या करूँगा कि इसके ऊपर एक रिंग काइंड ऑफ थिंग मैं बना दूँ जो नियॉन टाइप के हों। तो आपको इसको सिलेक्ट नहीं करने हैं, अदरवाइज़ ये मास्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा एंड देन यहाँ एलिप्स टूल को ले लूँगा। तो एलिप्स टूल आपको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है, फाइन कुछ ऐसा, एंड देन ट्राई करो थोड़ा सा पोजिशन सही हो जाए, कुछ ऐसे आप ले सकते हो। रेड ग्रीन कलर ज़्यादा बेटर लगते हैं मुझे, ग्रीन तो मैं ग्रीन ही रखता हूँ, आप चाहो तो रेड भी रख सकते हो। एंड देन यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक और इफेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं डीप ग्लो, फाइन। तो आपको डीप ग्लो ले लेना, डीप ग्लो का मैंने ऑलरेडी क्लासेस ले चुका हूँ मैं, एंड देन प्लगइन भी उस पर मैंने अपने लिंक पे शेयर कर दिया था, तो फिर से मैं कर दूंगा इसमें। तो फिर से आपको क्या करना, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक ग्लो काइंड ऑफ थिंग आ गए हैं लाइक नियॉन ग्लो, बट आपको यहाँ पे रेडियस है ना उसको कम कर लेना है। ओके तो रेडियस को मैं कम करके कर लेता हूँ, आई थिंक इतना काफ़ी है, 24-30 इतना काफ़ी है। एंड देन इसे भी थोड़ा सा कम ही कर दो, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाते हैं राइट। तो मैंने थोड़ा सा कम कर दिया यहाँ पे कुछ ऐसे, एंड देन एक्सपोजर को थोड़ा सा कर लो नियॉन टाइप, सी नाउ इट्स लुक बेटर। ओके अब मैं क्या करूँगा इसके ऊपर में ना, ये तो अभी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, अगर आप यहाँ पे चाहो तो पेरेंट एंड चाइल्ड के थ्रू भी वर्क में ले सकते हो इसको। जी हाँ बिल्कुल आप ले सकते हो। तो आपको पिक विप को क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है बोर्ड के ऊपर, फाइन कुछ इस तरह से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देने हैं। ओके एंड देन प्ले करके जब आप देखोगे ना तो आप देखो वो उसके साथ अटैच हो चुका है, नाउ इट्स लुक बेटर। अगर आप चाहो तो और भी एक काम कर सकते हो, ट्रिम पाथ अप्लाई करो अच्छे दिखेंगे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर जाऊँगा एंड देन ऐड में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं ट्रिम पाथ, सी यहाँ पे जाओ ट्रिम पाथ ले लो। स्टार्टिंग में ही आपको क्या करना है, यहाँ पे ज़ीरो कर दो, दोनों में 0-0 आप अप्लाई कर देना राइट। एंड देन थोड़े से 3 सेकेंड्स में मैं क्या करता हूँ इसको पूरा 100% ले लेता हूँ। तो आप एनिमेट होता हुआ सा देखोगे यहाँ पे, सी राइट ये भी है। एंड देन आप चाहो तो यहाँ से फिनिश भी कर सकते हो, लाइक मैं क्या करता हूँ स्टार्टिंग को अगेन यहाँ पे एक बार क्लिक कर देता हूँ जो मेरा स्टॉप वॉच के की है, एंड देन यहाँ पे मैं जाकर इसको कर लेता हूँ इस बार 100 राइट सी। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, फाइन तो कुछ एनिमेट होता हुआ सा दिख रहा है। एंड देन फाइनली मैं क्या करूँगा यहाँ से फिर से मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, ओके एंड देन थोड़े से आगे जाकर मैं क्या करूँगा इसको यहाँ पे ले लेता हूँ कंप्लीट 0 राइट कुछ ऐसा। तो ये वन काइंड ऑफ एनिमेशन आपको बना लेना है कि ऐसा थोड़ा सा अपने हिसाब से। एंड देन सबको सेलेक्ट करके मैं क्या करूँगा F9 प्रेस कर देना, ओके इजी इज लेने के लिए मैं क्या करता हूँ राइट क्लिक एंड देन यहाँ से इजी इज ले लेता हूँ। तो मैंने इजी इज ले लिया एनिमेशन के लिए कि थोड़ा सा बेटर लुक आ जाए यहाँ पे राइट कुछ ऐसे। तो ये मैंने यहाँ पे बना लिए कुछ ऐसे, फाइन। और ये तो हो गया मेरा एनिमेशन जैसा भी आपको चाहिए था, मैंने ऐसे एनिमेशन ले रखे यहाँ पे, फाइन। एंड देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं बोर्ड को भी थोड़ा सा ग्लो डाल देता हूँ, थोड़ा सा कुछ स्टाइल इस पर क्रिएट करता हूँ। तो अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे अगेन मैं क्या करता हूँ बोर्ड के जो लोगो है ना उसको चाहो तो आप Ctrl D कर दो, एक और कॉपी कर लेना यहाँ पे राइट ऊपर में लेके चले जाओ। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा यहाँ से जो बोर्ड के जो लोगो हैं उसको मैं क्या करूँगा लेयर में जाऊँगा एंड देन ऑटो ट्रेस कर देता हूँ मैं, फाइन। तो सभी कुछ ठीक है, अल्फ़ा वगैरह ले लो आप। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे, फाइन कुछ ऐसे, ज़रूरी है लेना तो आप इस तरह से ले सकते हो। यहाँ पे क्या करो आप आ जाओ एंड देन यहाँ पे मैं इफ़ेक्ट्स में जाता हूँ, वीडियो को पायलट में जाता हूँ एंड देन सेबर इफ़ेक्ट इस पर अप्लाई कर देता हूँ। तो देखो सेबर आ गए यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे कस्टमाइज पे जाना है कोर पे, एंड देन यहाँ से लेयर मास्क आप ले लो। देखो
अप्लाई हो चुके हैं इसके ऊपर, ओके सी कुछ ऐसा, बट आपको कुछ दिख नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ कि ये ब्लैक ब्लैक पैचेस आ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, ब्लेंडिंग मोड में चले जाना एंड देन स्क्रीन को क्लिक कर दो। सी अब आपको यहाँ पे बोर्ड कम्प्लीटली आपको दिख रहे होंगे कुछ ऐसा, तो आप यहाँ पे चले जाओ। आप चाहो तो यहाँ पे आप नियॉन ले सकते हो, राइट। देखो नियॉन आ चुके हैं, आपको ग्लो इंटेंसिटी थोड़ा सा कम कर लेना है, जितना आप कम कर सकते हो कर लो कुछ ऐसे, राइट। तो मैं थोड़ा सा नियॉन ले लेता हूँ। आप फायर ले सकते हो, नियॉन ले सकते हो, यार कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप यहाँ से कौन सा इफ़ेक्ट चूज़ कर रहे हो, राइट। तो ऐसा मैंने कुछ यहाँ पे ले रखा है, जैसा भी आपको चाहिए होगा। साइज़ इंक्रीज़ कर लो थोड़ा सा, बट इतना नहीं कि बर्न करने लगे, तो आई थिंक टू इतना काफ़ी है कुछ ऐसे। एंड देन नाउ यू कैन सी कि क्या मैजिक हो रहा है यहाँ पे, राइट, कुछ इस तरह से, राइट, फाइन। तो कुछ इस तरह की एनिमेशन में यहाँ पे आप बना सकते हो। आप चाहो तो इसको अगर अच्छे नहीं लग रहे हैं तो यहाँ से आप अपने जो शेप है ना उसको हटा सकते हो एंड देन बोर्ड को आप रख सकते हो। तो कम्प्लीटली आपके ऊपर है किस तरह की वर्क आप करना चाहते हो यहाँ पे, तो जैसा भी आप चाहिए वैसा ले लो। एंड देन अगेन तो कुछ इस तरह की आप एनिमेशन बना सकते हो। चाहो तो आप यहाँ पे शेप के कलर को चेंज कर सकते हो, लाइक अगर आपको पिंक चाहिए पिंक ले लो, रेड चाहिए रेड ले लो, एंड देन आप देख सकते हो, राइट। ओके तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि किस तरह से आप यूज़ में ले सकते हो एंड देन कुछ इनोवेटिव चीज़ें बना सकते हो आप मोका के थ्रू। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा कि किस तरह से हम लोग मोका ट्रैकिंग को यूज़ कर सकते हैं एंड देन कहीं पे भी आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, इमेजेस को अप्लाई कर सकते हो एंड देन कुछ इनोवेटिव चीज़ें आप बना सकते हो मोका ट्रैकिंग के थ्रू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।